पवन सिंह और अक्षरा सिंह में फिर शुरू हो गई है जंग। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हम लेटेस्ट खबर। जाने क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नमस्कार भोजपुरिया, जहाँ आज हम लोग पवन और अक्षरा के विवाद के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उससे भी हटकर एक बात बहुत बड़ी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने अपनी अगली फिल्म डॉली की शूटिंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ पवन सिंह की भी शपथ फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। और पवन सिंह के साथ शपथ में नज़र आने वाली है रानी चटर्जी। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह के दुश्मन ही कह सकते हैं, दुश्मन एक तरफ है रितेश पांडे और अक्षरा सिंह। जी हाँ दोस्तों, फिर से अक्षरा और रितेश की जोड़ी बन गई है, लेकिन इस बार कि उनकी जो फिल्म है डोली वो काफ़ी अलग अंदाज में दिखेगी। बता दें कि लोगों का मानना यह है कि इस फिल्म में अक्षरा सिंह लुटेरी दुल्हन बनी है। जी हाँ दोस्तों, वो लुटेरी दुल्हन बनी है जिसमें वो दूल्हों को ठगती है। और यह काफ़ी, आपको पता ही होगा, हमने आपको बहुत पहले एक रिपोर्ट दी थी कि अक्षरा सिंह की एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म आ रही है, उसी टाइप की यह फिल्म है। और इसमें अक्षरा सिंह के साथ बहुत सारे हमें लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि बता दें कि इस फिल्म में कम से कम 25 से 30 स्टार कास्ट होने वाले हैं। वहीं पवन सिंह की फिल्म शपथ में भी काफ़ी काफ़ी बड़ी फिल्म है और इस फिल्म के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन की भी मतलब शूटिंग हो सकती है। जहां तक हमें सूत्रों के हिसाब से यह खबर मिली है कि यह क्रैक फाइटर से भी बड़ी फिल्म हो सकती है। तो अब यह देखना होगा कि डॉली और शपथ दोनों फिल्मों की शूटिंग सोचिए शुरू ही होने वाली है। अब यह देखना है कि किस फिल्म में कितना खर्च होता है और कौन सी फिल्म कितना बड़ा कमाई करती है, वह तो समय आने पे ही पता चलेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि हम जंग की बात करें तो जंग ही तो है दोस्तों। दोनों सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा, दोनों के बीच में ऐसी जंग हो रही है कि जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। अब यह देखना है कि रितेश और अक्षरा की जोड़ी कमाल करती है कि पवन और रानी की जोड़ी, जो कि 8 साल बाद फिर से इंडस्ट्री में वापस आई है। वहीं रानी और पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी जोड़ी को लेकर। और दूसरी तरफ रितेश और अक्षरा की एक भी फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। इससे पहले उनकी दो फिल्में बनकर तैयार है, राजा राजकुमार और दबंग दमाल, और दोनों में से अभी तक कोई रिलीज़ नहीं हो पाई है। तो अभी तक पब्लिक रिएक्शन यह नहीं पता चला है कि यह कौन, मतलब इनकी जोड़ी लोग कितने पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी चटर्जी और पवन सिंह की जोड़ी पुरानी काफ़ी बड़ी सुपरहिट है। तो अब यह देखना है कि कौन सी जोड़ी किस पे भारी पड़ती है। हमें इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक